हाय गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मेरे पास है 8 लाइन की स्केचिंग पेंसिल्स जिनके बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले इसकी बॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 8 लाइन लिखा दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 6 पेंसिल इसके अंदर आती है। उसके अलावा यहाँ पर एक डॉग की अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई है। शेड्स दिखा रखी है इसके अंदर, है HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। इसके अंदर जो सी पेंसिल डॉम्स के अंदर आती है ना, वही वाली सेम पेंसिल्स हैं। इसका रेट है 70 रुपीज़। आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। इस बॉक्स के अंदर हमें 6 पेंसिल देखने के लिए मिलती है, जिनमें से मेरे पास खाली 3 है, क्योंकि जहाँ से मैंने बाय करा था वहाँ से मैंने भी नया बॉक्स मंगा लिया है। पर लेकिन उनके पास ये 3 रखी थी। मेरे कोई प्लान नहीं था इनको बाय करने का, पर लेकिन मैं इनको ले आया हूँ। मुझे वीडियो तो बनी जाएगी, तो जल्दी अगर आप चाहते हो कि मैं और भी पेंसिल्स की ग्रेड्स के बारे में बात करूँ 8 लाइन के, तो आप लोग वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर लुक की बात करें तो लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और भी ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं पेंसिल कैसी है। मैंने यहाँ पर निकाल ली है शीट, जो कि रफ शीट है। आप देख सकते हैं रफ शीट है मेरे पास, और अभी मैं इनको रफ पर टेस्ट करता हूँ तीनों को। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शेड कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छी शेडिंग हुई है इन पेंसिल। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी है, अगर हम लोग बात करें डॉम्स की, तो डॉम्स में क्या है ना, HB और 2B में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना ज़्यादा फ़र्क इसमें है। अगर HB लाइट है तो उसकी लाइट है और उसकी 2B डार्क है। पर लेकिन डॉम्स की ना, अगर हल्का फुल्का प्रेशर वगैरह के साथ अप्लाई करें बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता है उनमें। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे इसमें लगा है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये वाली पेंसिल मेरे को शेडिंग में। शेडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई है और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी। अप्सरा की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अप्सरा की एक ऐसी वाली जो बॉक्स आता है, 6 ग्रेड्स मिलती है, वो 35 रुपीज़ का आता है। पर लेकिन उसके प्राइस के हिसाब से वो भी सही है, और इसके प्राइस के हिसाब से लेकिन ये भी सही है। एक आपके पास चॉइस आती है ना, वो बाकी सारी पेंसिल्स के बीच में लेके इनकी, तो आप लोग उन पेंसिल्स की जगह इनको बाय करना, या फिर डॉम्स को भी बाय कर सकते हो। आप लोग डॉम्स भी एक जैसी है। अगर पर्सनली बताऊँ तो ये पेंसिल आपको बाय करनी चाहिए, बहुत अच्छी पेंसिल है और प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग इनसे, और पूरा स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो हाइपर रियलिस्टिक तक। अब तक मैंने इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, तो मैं अगला स्केच बनाऊंगा उसको मैं खाली सोच रहा हूँ इन तीनों का यूज़ करूँगा, और एक डार्क ग्रेड यूज़ करूँगा जो कि डॉम्स की 10B है, जो कि इसमें एक डार्क ग्रेड नहीं मिली मेरे को। अगर डार्क ग्रेड मेरे को मिल जाती तो मैं पूरा एक स्केच इन पेंसिल से बना देता। तो एक डार्क ग्रेड में कोई दूसरे ब्रांड की यूज़ करूँगा, और पूरे के पूरे मैं स्केच इन तीनों ही पेंसिल से ड्रॉ कर दूँगा। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।